हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बताऊंगा राशन कार्ड की लिस्ट निकालना, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे निकालते हैं। अगर किसी का राशन कार्ड कट गया है या फिर किसी का नया बनाया है तो उसे कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मोबाइल में करना है गूगल क्रोम ओपन और उसमें लिखना है राशन कार्ड। तो यहाँ से ये मैंने लिख दिया है पहले से ही राशन कार्ड, तो यहाँ से कर रहा हूँ सर्च। सर्च करने के बाद ये आएगा इस कंडीशन से खुल करके, फिर से लेके जाना है ऊपर की ओर और यहाँ से आ रहा है ये राशन कार्ड लिखा हुआ, तो उस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फिर से नीचे ओर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है NFSA की पात्रता सूची। यहाँ क्लिक करने के बाद आ जाएगा ये जिले का नाम चुनने के लिए, तो यहाँ से मैं अपना जिला चुन रहा है, तो यहाँ पर ये कासन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कासन क्लिक किया है पहले से। क्लिक करने के बाद ये सर्च होगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, तो मैं यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में अपना ब्लॉक चुनना है, तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक कासगंज पड़ता है, तो कासगंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। कासगंज सेलेक्ट किया, उसके बाद दिखा रहे हैं ये ग्राम पंचायत का नाम, आपका कौन सा गांव है वो उसे सेलेक्ट करना है, जिस गांव की भी लिस्ट देखनी है। तो यहाँ से मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ मनोटा, उसके बाद यहाँ से दुकानदार का नाम दिखाने लगेगा विनोद कुमार, और यहाँ पर लिख के दे रहा है ये पात्र गृहस्थी और अंत्योदय, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पात्र गृहस्थी 315 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से ये दिखने लगेगी लिस्ट ग्रुप, और यहाँ से देख सकते हैं धारक का नाम और पिता या पति का नाम, और जिसका भी तुम्हें वो निकालना है राशन कार्ड उसके नाम पर ये क्लिक करना है। जैसे डॉली लिखा हुआ है तो मैंने ये डॉली पर क्लिक कर लिया, सामने ये रजिस्ट्रेशन संख्या पर क्लिक किया, तो यहाँ से इनका ये पूरा खुल के आ जाएगा कार्ड, और यहाँ से लिखे दे रहा है ये इनके घर में जितनी भी यूनिट हैं वो यूनिट लिखी हुई हैं, और दुकानदार का नाम दे रहा है, जो भी इसमें है सारा कुछ आ रहा है यहाँ पर।